अस्सलामुअलैकुम। जब भी आपके पास घड़ी आती है, आप जब घड़ी परचेस करते हैं तो उसको अनबॉक्सिंग कैसे करनी है? ठीक है, ऐसे बॉक्स में पैकिंग रहेगी घड़ी, बराबर। तो सबसे पहले आपको घड़ी को सीधा खड़ा करना है। ऐसा एरो लगा रहेगा, देखो आपको एरो दिख रहा है, बहुत बारीक से लिखा हुआ है, ये देखो आपको ऐसा एरो दिख रहा है। तो घड़ी वैसा खड़ा करना है आपको, ठीक है। और फिर उसको यहाँ से आपको ये पट्टी जो है ना ऊपर के भाग से कटिंग करके निकालनी है घड़ी। ऐसा थर्मोकोल रहता है इसके अंदर, बराबर, इसका थर्मोकोल रहता है। और ये जो प्लग के बाजू में हम वारंटी स्टिकर डाल कर देते हैं, ये वारंटी स्टिकर होती है प्रोडक्ट की, इसमें वारंटी वगैरह लिखी रहती है, सीरियल नंबर लिखा रहता है। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है घड़ी में, तो आपको ये जो वारंटी स्टिकर होती है इसका फ़ोटो भेजना होता है, घड़ी का फ़ोटो भेजना होता है, बराबर। अभी इसको बाहर निकालेंगे, आराम से दो तीन आदमी पकड़ के इसको बाहर निकालना, क्योंकि ये फ्रेम जो होती है वो बहुत डेलिकेटेड होती है, ये टूट जाती है। तो इसको आराम से बाहर निकालना, सबसे पहले थर्मोकोल बाहर निकाल लें। कोई घड़ी बाहर निकल रही है, बरे 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 बरे। इसके अंदर एक किट भी होती है जिसके अंदर हम प्लग वगैरह, प्लग है इसके अंदर, प्लग होता है, एक रिमोट होता है, यूज़र मैनुअल होती है और सेल होता है। अब ये किट आप हर हम कड़ी के साथ बेचते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकलना है, क्या करना है, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये जो बॉक्स होता है उसको संभाल के रखना होता है, कभी आपको पैक करना है, कुछ काम मस्जिद में कुछ रिपेयरिंग काम है तो आपको पैक करके रखना है, तो आप इसमें पैक करके रख सकते हैं, बराबर। ये है हमारी घड़ी, बराबर। अभी हम इसको, जो हमने किट दिया था वो किट को हम इसमें सब वायर वगैरह निकालेंगे। इसको लगाना कैसे है वो बता रहा हूँ आपको, अभी एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर हम यहाँ से जनरली दो हुक देते हैं पीछे की साइड में, ऐसे दो हुक रहते हैं, जैसा हम कोई भी चीज़ टांगते हैं ना दो हुक से, ऐसे इसको टांगना है। दो हुक से मेजरमेंट लेके दीवार के ऊपर दो होल बनाने हैं और होल बना के उसको लटका देना है, बराबर। और ये साइड में हमने यहाँ पे एक तो वारंटी स्टिकर आपको बताया कि ये वारंटी स्टिकर है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको वारंटी स्टिकर और घड़ी का फ़ोटो हमें भेजना है। और यहाँ पे हम एक बटन है, ये देखो एलईडी क्लॉक रहेगी तो यहाँ पे एलईडी बंद चालू करने के लिए हमने यहाँ बटन दिया है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मेन बटन है, ये आपका मेन बटन है, बराबर। जब चालू होगा तो इसमें लाइट आएगा। और ये प्लग है जो हमने किट के अंदर दिया है, वो प्लग यहाँ पे डालना है, ठीक। देखो ये प्लग जो लगा रहा है, खाँचा रहता है इसके अंदर, खाँचा जो है ना इसे ऐसे खाँचा है, देखो ऐसा है, तो ये इसको ऐसे लगाना है। इसको ऐसे लगा के बराबर प्रेस करना है, बराबर। और फिर यहाँ प्लग लगा के इसको पहले यहाँ से चालू करना है, फिर यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो लाइट आ गई और घड़ी चालू हो गई, बराबर। अभी इसमें एलईडी बंद है, एलईडी चालू करने के लिए जो वाइट कलर का बटन था ना, मैंने बताया था ये वाला बटन, इसको चालू करना है। तो देखो एलईडी चालू हो गई, फॉन्ट के अंदर एलईडी पहले बंद थी, अभी चालू हो गई। देखो आज के टाइम पे ये घड़ी कैसे दिखेगी, एलईडी घड़ी रहेगी तो ऐसा दिखेगी, ये एलईडी बंद हो गई, बराबर। ये एलईडी जो है ना वो रात में चालू रखने की, दिन में इसको चालू नहीं रखने का, क्या कि उसकी लाइफ बढ़ती है और पावर भी सेविंग होता है, एलईडी से पावर ज़्यादा जाता है घड़ी में, तो इसमें लाइफ बढ़ती है इसकी और इसका पावर भी कम यूज़ होता है। अभी हमने घड़ी को अनबॉक्सिंग तो कर दिया, लेकिन क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, घड़ी कैसे लगानी है हमने बता दिया कि घड़ी कैसे लगानी है। घड़ी को धूप में नहीं लगाना है, धूप में लगाएंगे तो जल्दी इसका कलर निकल जाएगा, घड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। उसको हीटिंग ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर लगाना है, बराबर।
विंडो पे नहीं लगाना है, कोई विंडो है उसके पीछे आगे नहीं लगाना, क्योंकि धूल मिट्टी आएगी, धूल मिट्टी यहाँ पे जो होल्स होते हैं, हम यहाँ पे होल्स बना के रखते हैं, जो होल्स है ना वो वेंटिलेशन के लिए होल रखते हैं, तो होल में क्या होता है धूल मिट्टी घुस जाती है, गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, और बारिश के अंदर क्या है पानी के छींटे उसके अंदर जाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती है, बराबर। धूल मिट्टी में नहीं लगाना है, धूप में नहीं लगाना है, पानी आने वाली जगह पे नहीं लगाना है, जहाँ पे भेज आने वाली जगह है जहाँ से पानी आता है भेज आता है वहाँ पे नहीं लगाना है, बारिश का पानी आता है बारिश के कतरे आते हैं वहाँ पे भी नहीं लगाना है, डस्ट में नहीं लगाना है, डस्ट मतलब क्या खिड़की लगाएंगे तो डस्ट आती है, डस्ट धूल मिट्टी आती है तो उसमें नहीं लगाना है, बराबर। अगर आपके यहाँ कोई सप्लाई का प्रॉब्लम है गाड़ी में, बार बार कोई मेन सप्लाई आपका डीपी में प्रॉब्लम है, वोल्टेज बराबर नहीं आ रहा है, सप्लाई में प्रॉब्लम है, या कोई रिपेयरिंग काम चल रहा है वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक वोल्टेज का रिपेयरिंग काम चल रहा है, तो सजेशन ऐसा रहेगा कि आप घड़ी को 2-3 दिन के लिए बंद करके रखें। क्या होता है कि हाई वोल्टेज आने की वजह से घड़ी के अंदर SMPS होता है, वो SMPS जल्दी ख़राब हो जाता है, बराबर। और उसको और सेफ रखने के लिए हम स्टेबिलाइजर कस्टमर को एडवाइस देते हैं कि कस्टमर स्टेबिलाइजर लगाए, बाहर से स्टेबिलाइजर लगाना होता है वो कुछ 700-800 हज़ार रुपये के आसपास आता है, 1 एम्पीयर का स्टेबिलाइजर लगाना है, तो स्टेबिलाइजर लगाएंगे तो आपकी घड़ी और सेफ हो जाएगी, उसमें हाई वोल्टेज आएगा लोअर वोल्टेज आएगा तो उस घड़ी को इफेक्ट नहीं आएगा, स्टेबिलाइजर लगाना अच्छा रहता है, बराबर। ज़्यादा धूप में भी नहीं लगाना है, और घड़ी का रिमोट जब भी आप ऑपरेट करेंगे तो वो दूर से यूज़ करना है, 5-10 फीट से दूर से यूज़ करना है, बराबर। बड़ी घड़ी के अंदर रिमोट जो होता है वो अजान के यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो है वो ये आपका रिमोट है, बराबर। छोटी घड़ियाँ जो होती है उसमें असर या यहाँ पे ये डिस्प्ले में आपको रिमोट सेंसर दिखेगा, बराबर। तो दूर से ऑपरेट करना है और एंगल से ऑपरेट, 30 डिग्री एंगल से ऑपरेट करना है, दूर से ऑपरेट करेंगे तो आपका रिमोट बराबर सही से चलेगा। पानी वहाँ के साथ इसके ऊपर जो लेमिनेशन लगा रहता है वो परमानेंट लेमिनेशन होता है, इसको निकालना नहीं है, बराबर। आप उससे अच्छा कोई टॉवल रहेगा उससे पानी मार के आप साफ़ कर सकते हैं, कोई नॉर्मल पानी मार के इसको साफ़ कर सकते हैं। पीछे का जो बैक साइड होता है उसको आपको दो तीन साल में एक बार खोल के आप इसको ब्लोअर वगैरह लगा के साफ़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्क्रूज लगे हुए हैं इसको खोल के आप साफ़ भी कर सकते हैं, ब्लोअर मार के इसको इस्तेमाल करके साफ़ कर सकते हैं। जितना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है जितना इसको संभालेंगे उतना अच्छे से ये प्रोडक्ट रहेगा, इसको जितना लापरवाही बरतेंगे उतना ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। अभी हम कस्टमर को सर्विस और ये कुछ फॉल्ट होता है तो उसके लिए हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, कैसा हम सॉल्यूशन देते हैं उसका मैं आपको छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। पहले तो अगर वारंटी में रहा तो आपको वारंटी कार्ड का जो स्टिकर मैंने यहाँ बताया उसका फ़ोटो भेजना होगा, 1 साल की वारंटी हम देते हैं। देखो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो ये 15/3/2020 का बना हुआ है, बराबर। लेकिन हम यहाँ हमारे यहाँ से पार्ट भेजते हैं और हम वीडियोस भेजते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन होता है उसको रिपेयर वगैरह कर सकता है, रिप्लेस आसानी से कर सकता है, इसमें कोई सोल्डरिंग वाला कामकाज नहीं होता है और आसानी से इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि गाड़ी का फ़ोटो भेजना है, जो प्रॉब्लम हुआ है फोटो प्रॉब्लम का फ़ोटो या वीडियो भेजना है और वारंटी स्टिकर का फ़ोटो भेजना है। अगर वारंटी के बाहर है तो हम जो नॉमिनल चार्ज होते हैं जो पार्ट्स के वो चार्ज पार्ट्स के चार्ज लेते हैं, बाकी हम कोई चार्ज लेते नहीं है। जो पार्ट्स है वो पार्ट्स कैसे रिप्लेस करने हैं वो भी आपको अगर ज़रूरत होती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को वीडियो भेजते हैं, इलेक्ट्रिशियन को वीडियो कॉलिंग से भी बता देते हैं कि कैसे रिप्लेस करना है। जनरली इसमें जो ख़राब होने वाली चीज़ है वो कुछ शॉर्ट सर्किट होता है आपके मेन सप्लाई में, डीपी में कुछ प्रॉब्लम होता है या आपके कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें एक फ्यूज़ होता है वो फ्यूज़ जाता है, यहाँ पे हम इसके अंदर फ्यूज़ भी होता है, ये डब्बी के अंदर यहाँ पे फ्यूज़ होता है लाइट के ऊपर, तो वो फ्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि फ्यूज़ गया कि क्या गया है। और SMPS होता है, SMPS तो आपको जनरली मार्केट में मिल जाता है। कभी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पहले आप उसको ओपन मत कर ले, पहले कंपनी को इत्तला करें, कंपनी अगर बोले कि इसको ओपन करके ऐसा ऐसा करो या ये सॉल्यूशन है तभी जाके उसको ओपन करके आप उसको चेक करें। आप अपने आप से या फिर कोई दूसरे बंदे को रिपेयर करने के लिए ना दें जो जानकार न हो, ताकि इससे प्रॉब्लम बढ़ सकता है, प्रॉब्लम कम नहीं होगा। पहले कंपनी को इन्फॉर्म करें कि ये प्रॉब्लम हुआ है, कंपनी जैसा बोलेगी वैसा आप करना है, बराबर।